बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमारा आज का लेक्चर है क्लास फोर्थ साइंस यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे, यानी इंसानी जिस्म, कि हमारा जो जिस्म है, हमारी बॉडी है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, उनको हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेल्स, सेल्स क्या होते हैं? लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी भी जानदार चीजें मौजूद होती हैं, उनकी तरह जो हमारी बॉडी है, यानी जो इंसान की बॉडी है, वो किससे मिलके बनती है? सेल्स से मिलके बनती है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं। बिल्डिंग यूनिट्स मतलब ऐसे यूनिट्स, ऐसी चीजें जो मिलके एक कोई भी बड़ी चीज बनाती है, उसे हम कहते हैं बिल्डिंग यूनिट्स। जिस तरह आपके घरों में रूम्स होते हैं, वो रूम्स किस तरह बनते हैं? वॉल्स से। और जो वॉल्स हैं, वो किससे मिलके बनती हैं? ईंटों से। इसी तरह से उन दीवारों के जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं, वो क्या हैं? ईंटे हैं। और जो रूम्स हैं, उनके बिल्डिंग यूनिट्स क्या हैं? वो वॉल्स यानी दीवारें हैं। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी के जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं, वो क्या हैं? वो सेल्स हैं। वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। उनमें से कौन कौन से सेल्स हैं? बोन सेल्स, ऐसे सेल्स जो हमारी हड्डियां बनाते हैं। मसल सेल्स, ऐसे सेल्स जो हमारे मसल्स यानी हमारे पट्ठे बनाते हैं। हार्ट सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि हमारे दिल को बनाते हैं। और ब्लड सेल्स जो हमारा ब्लड बनाते हैं। एंड सो ऑन। और इसी तरह से इन सेल्स के अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। जो हमारी बोन्स हैं, वो कौन से सेल्स पे कॉन्सिस्ट होती हैं? लिविंग सेल्स, जो कि जानदार होते हैं। यहाँ पे हम कुछ सेल्स की डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है? वो नर्व सेल्स हैं। ऐसे सेल्स जो कि हमारे ब्रेन को बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नर्व सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, ऐसे सेल्स जो हमारा ब्लड बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। और एपिथेलियल सेल्स। स्टूडेंट्स, एपिथेलियल का वर्ड जहां पे भी आए, आप लोगों ने याद रखना है, एपिथेलियल का मतलब आउटर कवरिंग, यानी किसी भी बॉडी के पार्ट की जो सबसे बाहर वाली तह होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिथीलियम। और वो सेल्स जो उस तय के सेल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल्स। और उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है। टिश्यूज, नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट्स हमारे पास है टिश्यूज। सेल्स ग्रुप टू फॉर्म टिश्यूज। जब सेल्स ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं आपके पास? टिश्यूज बनाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टिश्यू की डेफिनेशन किस तरह से हम करते हैं। A tissue is a special group of cells which perform a similar job. Tissue जो है वो क्या है? Cells का वो group जो कि एक जैसा काम कर रहे हैं, यानी tissue के अंदर जितने भी cells मौजूद होंगे, वो तमाम cells एक जैसा काम करेंगे और वो फिर क्या बनाएंगे? Tissue बनाएंगे। Tissue can be muscular, connective, nervous or epithelial. यहाँ पे आपके पास ये टिश्यूज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन है वो किसकी एग्जाम्पल है? कौन से टिश्यू की? कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है। अब हम वन बाय वन इन टिश्यूज को देखेंगे कि ये टिश्यूज हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में मौजूद होते हैं। सबसे पहले नर्वस टिश्यूज। आपके जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नर्वस टिश्यूज। और इसके अंदर दो चीजें आती हैं, यानी नर्व्स। ऐसे सेल्स जो कि आपके ब्रेन्स को बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नर्व्स। और दूसरी चीज क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड, यानी आपकी जो बैक बोन होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो क्या है आपके पास? स्पाइनल कॉर्ड। आप अपनी बैक पे टच करके देखें, जो मिड में एक बोन मौजूद है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे जो नर्वस टिश्यूज हैं, ये आपके ब्रेन को बनाते हैं।
सेकेंड वन इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो है वो तीन तरह के होते हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं ऐसे मसल्स जो कि आपके हार्ट को बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स जो आपको मूव करने में हेल्प देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिस तरह आप मूव कर सकते हैं वो किसकी वजह से मूव करते हैं आप, स्केलेटल मसल्स की वजह से मूव करते हैं। और लास्ट पे आपके पास स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो हैं ये आपके जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, यानी जो आपकी बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गन्स, जिस तरह से स्टमक है, ये आपके पास जो है इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, ये किन मसल्स से मिलके बनती हैं, ये स्मूथ मसल्स से मिलके बनती हैं। नेक्स्ट वन इज एपिथीलियल टिश्यूज। एपिथीलियल स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया क्या होती है कि जो आपकी सबसे बाहर वाली कवरिंग, आपकी बॉडी के पार्ट की कोई भी पार्ट हो उसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को हम कहते हैं एपिथीलियम। और इसके अंदर उसने अगेन बताया है क्या आता है कि एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। और हमारी जो बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या है, स्किन है। तो वो किन टिश्यूज से मिलकर बनती है, एपिथीलियल टिश्यूज। लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है, ऐसा आपकी बॉडी का पार्ट जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी आपके खाने को हजम करने में मदद देता है, उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। और उस डाइजेस्टिव ट्रैक में जितने भी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं उनकी सबसे जो बाहर वाली लाइनिंग है वो किससे मिलकर बनती है, एपिथीलियल टिश्यूज से। और लास्ट पे आपके पास कौन से टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपके पास, फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू। फैट्स जो आपकी बॉडी में मतलब चिकनाहट वगैरह जमा हो जाती है वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और इसके अलावा सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू, पैडिंग टिश्यू मतलब जो कि नरम टिश्यूज होते हैं और आपकी बॉडी में जिस तरह गोश्त वाला जो हिस्सा होता है वो इन टिश्यूज पे कंसिस्ट होता है। बोन, बोन यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि किसकी एग्जाम्पल है, कनेक्टिव टिश्यू की, ये आपकी जो बोन्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती हैं। और लास्ट पे टेंडन्स। टेंडन्स हम स्टूडेंट्स किसको कहते हैं, जब आपकी एक बोन जो है वो किसी दूसरे मसल के साथ अटैच होती है तो उसे हम कहते हैं टेंडन्स, यानी बोन की मसल के साथ अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि टिश्यूज हम किसको कहते हैं, जब भी हमारी बॉडी में सेल्स एक साथ मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं आपके पास, टिश्यूज बनाते हैं। क्लियर है। द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप्स। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे जो हमने टिश्यूज पढ़े हैं उन टिश्यूज का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, वो क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले है मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, यानी ये हमें मूव करने में हेल्प आउट करते हैं कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स अगर हमने मूव करने हैं, हमारे हैंड्स मूव करने हैं या फिर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो किसकी वजह से होता है, वो मस्कुलर टिश्यूज की वजह से है। कनेक्टिव टिश्यूज गिव शेप टू द ऑर्गन एंड होल्ड्स देम इन प्लेस। शेप किस तरह से देते हैं, हमने पीछे अभी पढ़ा कि हमारी जो बोन है वो किसकी एग्जाम्पल है, वो कनेक्टिव टिश्यूज की है। तो हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी को एक शेप दे रही होती हैं। और इसके अलावा होल्ड देम इन प्लेस, और अपनी अपनी लोकेशन पे वो मजबूती से रहें, किसकी वजह से होता है, वो कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से होता है। नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज किसके टिश्यूज थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं नर्वस टिश्यूज। सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, इनका काम क्या होता है कि डिफरेंट सिग्नल्स, यानी हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक और हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक जो है वो कोई भी मैसेज भेजना हो तो वो किसकी वजह से होता है, वो नर्वस टिश्यूज की वजह से हो रहा होता है। जिस तरह अगर आप किसी गर्म चीज को टच कर लेते हैं और उसके बाद फौरन से आप हाथ पीछे करते हैं, वो किस वजह से होता है, हमारे ब्रेन से मैसेज जाता है हमारी फिंगर तक फौरन से और हम फिंगर क्या कर लेते हैं, वो पीछे कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज क्या है, मैंने आपको बताया कि हमारी आउटर कवरिंग यानी जो बाहर वाली तय होती है उसे कहते हैं।
कवर्स सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इनका काम क्या है कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवर करना, क्योंकि ये क्या होती है, उनकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है वो है ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ टिश्यूज डैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स, यानी जब मुख्तलिफ टिश्यूज जो हैं वो एक साथ जब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर वो काम करते हैं, वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। द बॉडीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन्स, यानी जो हमारी बॉडी का फंक्शन है वो किस वजह से परफॉर्म हो रहा होता है, जब हर ऑर्गन हमारी बॉडी में मौजूद अपना अपना काम करता है, और जब सारे ऑर्गन्स काम करते हैं तो वो किस तरह से फंक्शन बन जाता है, फिर वो बॉडी का फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज एन ऑर्गन, जिस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारा दिल है वो क्या है, वो एक ऑर्गन है मेड अप ऑफ मसल टिश्यूज, जो कि मसल टिश्यूज से मिलकर बनता है, और मसल टिश्यूज की कौन सी टाइप इसमें मौजूद होती है, कार्डियक मसल्स। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसका काम क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक सप्लाई करता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स अपना अपना काम कर सकते हैं। इट इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली, ये एक बहुत पावरफुल यानी बहुत मजबूत ऑर्गन होता है, और ये मुसलसल काम करता है विदाउट रेस्ट, यानी ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता, और मुसलसल हमारे बॉडी के पार्ट्स तक जो है वो ब्लड को सप्लाई कर रहा होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं, तो अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में मौजूद कार्डियक जो मसल्स हैं वो कार्डियक टिश्यूज जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं, और उस तरह से वो किसका काम बनता है, उस ऑर्गन का काम बनता है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे अब हम देखेंगे हार्ट के अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गन्स, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ब्रेन, ब्रेन यानी दिमाग, और ये हमारा जो ब्रेन है इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स तक मैसेज भेजता है, और ये कौन से टिश्यूज से मिलके बनता है, मैंने आपको भी बताया था नर्वस टिश्यूज से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लंग्स, लंग्स यानी हमारे फेफड़े होते हैं, और ये कौन से टिश्यूज से मिलके बनते हैं, स्मूथ मसल टिश्यूज से मिलके बनते हैं, और इनका काम क्या है, इनकी मदद से हम सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है किडनीज, यानी हमारे गुर्दे, ये भी स्मूथ मसल टिश्यूज से मिलके बनते हैं, और इनका काम हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना। नेक्स्ट हार्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और स्टमक, स्टमक जो है ये भी हमारे स्मूथ मसल टिश्यूज से मिलके बनता है, और इसका काम क्या है, जो खाना हम खा रहे हैं उस खाने को हजम करने में ये हमारी हेल्प करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर मेनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे जिस्म में बहुत सारी बोन्स होती हैं। एन एडल्ट बॉडी हैज अबाउट 206 बोन्स, जो मैच्योर यानी एक बड़ा बच्चा होता है उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, वाइल अ बेबी हैज 300 बोन्स, जबकि जो बेबी है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, इसकी रीजन अभी मैं बताती हूँ आपको। इट इज बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर, इस वजह से कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सम ऑफ आर बोन्स फ्यूज टूगेदर, हमारी कुछ हड्डियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, टू मेक बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स, और वो मिलने के बाद एक बड़ी और मजबूत हड्डी बना देती है। तो इस वजह से जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर बोन्स की तादाद कम हो जाती है, और जो बेबीज होते हैं उनके अंदर बोन्स की तादाद ज्यादा होती है, क्योंकि एडल्ट्स में बहुत सी बोन्स एक दूसरे के साथ मिलके एक बड़ी और मजबूत बोन बना देती हैं। ऑर्गन सिस्टम, नेक्स्ट हमारे लेवल जो है स्टूडेंट्स वो है ऑर्गन सिस्टम। Although each organ has a special function, हमें पता है कि हर organ का एक अपना function होता है।
इट आल्सो वर्क एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन्स कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे उसने कहा है कि एक ऑर्गन जिसका कोई स्पेशल फंक्शन है वो किसी दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके काम करता है, और वो किसका काम फिर जो है वो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम का। यानी जब वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक सीरीज में काम करते हैं तो वो मिलके कौन सा सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। द ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टूगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। यहाँ पे उसने कहा है कि ऑर्गन सिस्टम हमारे पास क्या है कि जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स ग्रुप की फॉर्म में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, और वो काम एक खास काम होता है, उसे हम कहते हैं फिर ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल देखेंगे, द डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल है वो कौन सी है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी ऐसा सिस्टम जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, हमारे खाने को हजम करने में मदद देता है, वो किसके ऊपर कॉन्सिस्ट होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं, स्टमक यानी मैदा, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन छोटी और बड़ी आंत, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले सेल था हमारे पास, जब वो सेल मिला तो उसने क्या, जब मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मिले तो उन्होंने क्या बनाया, टिश्यू बनाया। और जब टिश्यूज मिलते हैं, यहाँ पे अगर हम स्टमक के केस में बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के जब स्मूथ मसल टिश्यूज मिलते हैं तो वो कौन सा ऑर्गन बना रहे हैं, यहाँ पे स्टमक बना रहे हैं। और जब स्टमक दूसरे और ऑर्गन्स के साथ मिलके हमारे खाने को हजम करने में मदद देगा तो उस सिस्टम को हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको यहाँ पे मैं दिखाने लगी हूँ स्टूडेंट्स लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम कहते हैं लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारे पास हमारा क्या है, स्टमक है। तो इस तरह से जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं वो मिलके क्या काम कर रहे हैं, एक साथ काम करते हैं, और वो फिर क्या बन जाता है हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा भी हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम की बहुत सी मिसालें हैं। दीज पिक्चर्स शो व्हाट यू हैव लर्न सो फार, यानी जो पीछे आप पिक्चर देख के आए हैं वो आपको बता रही है कि आपने किस किस तरह से जो है वो ह्यूमन बॉडी के लेवल्स को देखा, इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। यानी अब हमने ये देखना है कि किस तरह से जो है वो लेवल्स इंक्रीज होते हैं साइज में, और साइज के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स भी हो रहे हैं यानी पेचीदा हो रहे हैं। हर नेक्स्ट आने वाला जो आपके पास लेवल होता है वो पिछले लेवल से क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो सबसे पहला लेवल जो आपने देखा था वो कौन सा था, सेल्स। जब सेल्स मिले तो उन्होंने क्या बनाया, टिश्यू बनाया। अब टिश्यूज में मिलके क्या, जब एक जैसे टिश्यूज मिलेंगे तो वो मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। और ऑर्गन आपने पिक्चर में कौन सा देखा, स्टमक। और जब ऑर्गन मिलेंगे और वो ऑर्गन्स मिले जब जिनका काम एक जैसा हो, जो कि सेम काम कर रहे हो ग्रुप की फॉर्म में, तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे हमने ऑर्गन सिस्टम की कौन सी एग्जाम्पल देखी, डाइजेस्टिव सिस्टम। In this unit, you will learn about the musculoskeletal system. अब next वो ये आपको बता रहा है कि आपने इस unit में कौन से system के बारे में पढ़ना है, musculoskeletal। यानी आपको नाम से पता चल रहा है ऐसा system जो कि muscles और skeletal पे consist हो। A combination of skeletal, skeletal मतलब जो आपका ढांचा होता है जो कि हड्डियों से मिलके बनता है वो हम इसमें पढ़ेंगे, एंड द मस्कुलर सिस्टम, और ऐसा सिस्टम जो कि आपके मसल से मिलके बनता है। मसल्स भी हमें पीछे एक दो टाइप्स पढ़ के आए हैं, तो ये दोनों सिस्टम्स मिलके कौन सा सिस्टम बनाते हैं, मस्कुलर स्केलेटल। द स्केलेटल सिस्टम। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अगर बॉडी में बोन्स यानी हमारी हड्डियां मौजूद ना हो तो क्या होगा, यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक। अगर आपकी बॉडी में हड्डियां मौजूद नहीं होंगी तो आप चल नहीं सकेंगे, भाग नहीं सकेंगे, सीट बैठ नहीं सकेंगे, स्टैंड खड़े नहीं हो सकेंगे, प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, और इसके अलावा ना ही आप क्रिकेट खेल सकते हैं ना ही आप फुटबॉल खेल सकते हैं,
और मेक एनी मूवमेंट। और इसके अलावा कोई भी मूवमेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह आपने मूव करना है तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बोन्स हैं ये हमें तमाम ये वाले काम करने में क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में आपका एक पूरा स्केलेटल सिस्टम दिखाया गया है, यानी जो आपकी हड्डियों का पूरा ढांचा होता है वो दिखाया गया है। कुछ बोन्स के यहाँ पे नाम भी हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है स्कल, यानी आपकी जो खोपड़ी होती है जिसने आपके ब्रेन को कवर किया होता है, जिसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है उसे हम कहते हैं स्कल। इसके अलावा रिब्स, रिब्स किसको कहते हैं, जो आपकी पसलियों का पिंजरा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, केज केज सा नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। स्पाइन, ये जो आपके पीछे बैक बोन होती है जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पाइन। और इसके अलावा फीमर, यानी आपके ये वाली जो बोन है इसे हम कहते हैं फीमर या थाई बोन कहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो बोन्स हैं आपको हेल्प आउट करती हैं आपकी मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, और इसके अलावा बैठने में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी लाइफ में आप करते हैं वो आपको इसमें ये हेल्प आउट करती हैं। ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन, जितनी भी बोन्स हैं हमारी बॉडी में वो मिल के क्या बनाती हैं, हमारा स्केलेटन बनाती हैं, यानी हमारा जो ढांचा है जिसके अंदर हड्डियां ही हड्डियां होती हैं वो बना रहा है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स डैट हैव बैक बोन्स, और ये जो स्केलेटन है वो उन तमाम एनिमल्स में मौजूद होता है जिनके अंदर बैक बोन होती है, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स डैट हेल्प्स टू, और ये हमारे पास हड्डियों का एक ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा जाल है जो कि हमें किस तरह से मदद दे रहा है, हम उसके फंक्शंस देखते हैं। गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को हिफाजत और सहारा देता है। फॉर एग्जाम्पल द बैक बोन कॉल द स्पाइन, बैक बोन जिसका नाम क्या है, स्पाइन, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट, ये आपको सीधा खड़े होने में मदद देती है। अगर ये बोन आपकी बॉडी में मौजूद ना हो तो ना ही आप बैठ सकते हैं और ना ही आप ठीक तरह से खड़े हो सकते हैं। फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, ये आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छी वाली शेप दे रही है जिससे हम एक मतलब देख सकते हैं इंसान की प्रॉपर शेप जो है वो इस स्केलेटन की वजह से होती है। प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत से इम्पॉर्टेंट और सॉफ्ट यानी नरम ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जिस तरह स्टमक है, हार्ट है, तो ये उनको महफूज करती हैं। किस तरह से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो हमारी स्कल है यानी हमारी जो खोपड़ी है वो हमारी ब्रेन को हिफाजत देती है, ताकि अगर कोई इंजरी हमारे सर पे, कोई जख्म या कोई इंजरी वगैरह आ जाए तो हमारा जो ब्रेन है वो महफूज रहे, उसको कोई हार्म या कोई नुकसान ना पहुंचे। वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट, और जो हमारा रिब केज है ये हमारी पसलियों का पिंजरा है, वो हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़ों को और हमारे हार्ट यानी हमारे दिल को क्या करता है, महफूज करता है, हिफाजत देता है। मूव द बॉडी, और इसके अलावा जो हमारा स्केलेटन है इसकी मदद से हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, भाग सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर सकते हैं अपनी लाइफ की। तो जो हमारा स्केलेटन है वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। What is the skeletal system made of? अब हम यहाँ पे ये देखेंगे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। बोन्स तो इसमें मौजूद होती ही हैं, लेकिन बोन्स के अलावा क्या क्या चीजें इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो दो चीजों पे कंसिस्ट होता है, क्या क्या है वो, बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं। तो बोन्स के बारे में तो आपको मैंने बता दिया कि क्या होती हैं ये, अब हम देखेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं। अ जॉइंट इज अ प्लेस इन अ बॉडी where two or more bones meet with the help of tissues called ligament. Joint को हम students उर्दू में कह सकते हैं जोड़, यानी जब आपकी body में दो या दो से ज्यादा bones जो हैं वो इकट्ठी मिलती हैं, तो दो bones के मिलने से जो एक आपके पास चीज बन रही है उसे आप क्या कहते हैं, joint।
और वो दो बॉन्ड्स किसकी मदद से मिलती हैं? लिगामेंट। लिगामेंट आप कह सकते हैं कोई भी बॉन्ड, जिस तरह हम कहते हैं कि ग्लू, ग्लू की मदद से आप मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ते हैं, तो आप यही समझ लें कि जो लिगामेंट है वो एक ग्लू का काम कर रहा है जो आपकी दो बॉन्ड्स को आपस में जोड़ रहा है, और उनके जुड़ने से जो आपके पास एक नई चीज़ बनती है वो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। द लिगामेंट्स ज्वाइंट ज्वाइन द टू बोन्स एट द ज्वाइंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। यानी जो लिगामेंट है वो जहाँ पे एक ज्वाइंट यानी एक जोड़ बन रहा है वहाँ पे दो बोन्स को इकट्ठा मिलने में हेल्प करता है, और इस इतना वो स्ट्रांगली उनको एक दूसरे के साथ जोड़ता है कि वो एक दूसरे से फिर अलहदा जो है वो नहीं हो सकती। तो ज्वाइंट और बोन्स पे जो है वो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है। डू यू नो द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी इज इन साइड योर ईयर एंड नोन एज स्टिरअप, वाइल द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स इन योर बॉडी इज योर थाई बोन द फीमर। जो आपकी बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है वो कहाँ होती है? आपके कान में होती है। और जो सबसे लंबी बोन होती है, और जो सबसे लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो क्या है? आपकी थाई बोन। थाई बोन इसको उर्दू में रान कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है? ये आपकी लेग वाले पोर्शन में, जो ऊपर का पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं, मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी दिखाया, और इसका नाम क्या होता है इस बोन का? फीमर नाम होता है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जॉइंट्स का काम क्या होता है। जॉइंट्स हेल्प टू बोन्स टू मूव बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव। जॉइंट्स का काम क्या है कि ये हमारी जो बोन्स हैं उनको मूव करने में, उनको हरकत करने में मदद देते हैं। और यकीनन मैंने आपको बताया कि जब हमारी बोन्स मूव करेंगे तभी हम भी मूव कर सकते हैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक। बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव, लेकिन तमाम जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट्स बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ द स्कल डज नॉट मूव इन एडल्ट। अगर हम अपनी स्कल की बात करते हैं तो ऐसे जॉइंट्स जो कि हमारी स्कल की प्लेयर्स के दरमियान में मौजूद होते हैं वो एडल्ट्स में यानी बड़ों में मूव नहीं करते। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि तमाम सिम्त में जो है वो हरकत कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर, जिस तरह आपके शोल्डर के, और एंड द वन इन योर हिप, आपके हिप्स पे मौजूद होते हैं और शोल्डर यानी आपके कंधों में मौजूद होते हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे देखें डायग्राम में क्या है, ये आपके शोल्डर के जॉइंट्स हैं और यहाँ पे ये आपके हिप के जॉइंट्स हैं। आपने अगर देखना है कि ये जॉइंट्स किस तरह से तमाम डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो आप अपने बाजू को हिला के देख सकते हैं। आपके बाजू के साथ साथ आपका जो शोल्डर है वो भी मूव करता है और वो तमाम डायरेक्शंस में मूव करेगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे जो शोल्डर का जॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सम जॉइंट्स मूव योर बोन्स इन वन डायरेक्शन ओनली। और कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी बोन्स को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही सिम्त में मूव कर सकते हैं। लाइक द जॉइंट्स इन नी, जिस तरह से आपके नी और एल्बो यानी आपके जो घुटने और आपकी कोहनी के जॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जॉइंट्स कैन ओनली मूव फॉरवर्ड एंड बैक इन वन डायरेक्शन। यानी या तो वो एक डायरेक्शन में किस तरह मूव करते हैं? आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैक। आप अपनी जो कोहनी है उसको मूव करके देख सकते हैं, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी आगे और पीछे। दीज काइंड ऑफ जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंग जॉइंट। और इनको हम क्या कहते हैं? हिंग जॉइंट। ये जॉइंट्स की दूसरी किस्म है। पहली किस्म को हमने क्या कहा था? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और दूसरी क्या है हमारे पास? हिंग जॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखें आपकी एल्बो का जॉइंट दिखाया गया है, यानी आपकी जो कोहनी है वो दिखाई गई है। और यहाँ पे देखें एक ये बोन है और यहाँ पे ये बोन्स हैं। तो ये जो बोन्स जो है यहाँ पे मिल रही हैं इसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। और कौन सा जॉइंट है? ये हिंग जॉइंट है। द मस्कुलर सिस्टम। तो द स्केलेटल सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी। इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। अगरचे जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि ये हमें मूवमेंट करने में हेल्प आउट करता है, लेकिन ये खुद ब खुद अकेला काम नहीं कर सकता।
इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म इट्स जॉब। इसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, और वो सहारा इसको कहाँ से मिलता है? मस्कुलर सिस्टम से। मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलके ये अपना काम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। व्हाट इज द मस्कुलर सिस्टम मेड ऑफ? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मस्कुलर सिस्टम जो है वो किससे मिलके बनता है। द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। दो चीजों पे कंसिस्ट होता है, मसल्स पे और टेंडन्स पे। टेंडन्स क्या होती हैं? जब मसल हमारी बॉडी का कोई एक मसल किसी दूसरी बोन के साथ मिलता है तो इनकी अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। अब मसल देखते हैं क्या होता है। मसल इज अ टिश्यू। क्या है? ये एक टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स और बंडल्स ऑफ द सेल्स। और ये सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं, उन सेल्स के बंडल्स भी हो सकते हैं, शीट्स भी हो सकती हैं। दैट आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन। अब जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी ये सिकुड़ते हैं, तो क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो मसल्स की वजह से भी जो है हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, किसके साथ मिलके? बोन्स के साथ मिलके। टाइप्स ऑफ मसल्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास मसल्स के कितने टाइप्स हैं। There are three different types of muscles. हमारे पास मसल्स के तीन मुख्तलिफ किस्में हैं। First one is smooth muscles. Smooth muscles make up the internal hollow organs of your body. जो स्मूथ मसल्स हैं वो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स यानी जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उनको बनाते हैं। और कौन से ऑर्गन्स हैं? हॉलो यानी जो जिनके अंदर स्पेस खाली जगह मौजूद होती हैं, और जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हॉलो ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल द स्टमक, इंटेस्टाइन्स, आपका मैदा, आपकी इंटेस्टाइन यानी जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड ब्लैडर यानी आपका मसाना। ये सब जो है ये किससे मिलके बनते हैं? स्मूथ मसल्स से। ठीक है, स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं उनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू आर इवन थिंकिंग अबाउट इट। जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं ये अपना काम खुद ब खुद कर रहे होते हैं, इवन आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे होते। दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली। ये अपना काम ऑटोमेटिकली यानी खुद ब खुद करते हैं। इन शॉर्ट इनकी मूवमेंट यानी इनकी हरकत आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती, ये अपना काम खुद ही करेंगे। If they needed your instructions, or let's say कि अगर इनको आपकी instructions की, आपकी हदायत की जरूरत हो, just imagine what could happen if you ate something. तो imagine करें कि अगर आप कुछ खा रहे हैं and forgot to instruct your stomach, और भूल गए हैं अपने stomach को instruct करना कि उसको हदायत देना कि वो आपने जो खाया है उसको हजम करें, तो फिर क्या होगा? इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, अगर आपने खाना खा लिया है एक दफा तो आप अपने खाने को दोबारा से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनकी मूवमेंट आपकी अपने कंट्रोल में नहीं होती। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास डायग्राम में स्मूथ मसल्स दिखाए गए हैं। स्मूथ मसल्स की शेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये मसल्स, एक मसल इस तरह से है, एक दूसरे के साथ मिलके ये पूरी इस तरह से कंप्लीट करते हैं किसी भी ऑर्गन को। सेकेंड वन इज कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कार्डियक मसल्स क्या होते हैं। द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। ऐसे मसल्स जो कि आपके हार्ट को बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। लाइक द स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स की तरह ये भी क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स यानी इनकी मूवमेंट आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती। द कार्डियक मसल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ बींग अटैच्ड टू अ बोन। जो कार्डियक मसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से अटैच होते हैं, मतलब इनकी अटैचमेंट बोन्स के साथ नहीं होती बल्कि मसल की अटैचमेंट मसल के साथ ही होती है। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट।
कार्डिक मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं, साइज में कम हो जाते हैं और जो हमारा ब्लड होता है उसको पंप करते हैं हार्ट से बाहर बॉडी की तरफ। एंड देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक इन आफ्टर इट हैड सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। और जब वो सारा ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, अच्छे से सप्लाई हो गया, उसके बाद ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और जैसे ही रिलैक्स करते हैं तो ब्लड जो है वो दोबारा हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ आ जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ब्लड हमारे हार्ट से हमारी बॉडी की तरफ जाता है वो ऑक्सीजन वाला होता है, और जो ब्लड हमारी बॉडी से वापिस यानी दोबारा हार्ट की तरफ आता है वो ऑक्सीजन के बगैर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की शेप इस तरह से होती है और ये इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। स्केलेटल मसल्स, नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है वो है मसल्स की, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स। जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी अटैचमेंट मसल्स के साथ नहीं होती, बल्कि किसके साथ होती है, बोन्स के साथ होती है। और मसल की अटैचमेंट जब भी किसी बोन के साथ होती है वो उसे हम क्या कहते हैं, फिर टेंडन कहते हैं। टेंडन्स आर द थिक स्ट्रैंड्स और शीट्स ऑफ टिश्यूज दैट अटैच अ बोन टू अ मसल। टेंडन्स जो है वो टिश्यूज की ऐसी शीट्स होती हैं जो कि मसल्स को बोन के साथ अटैच करती हैं, लाइक अ ग्लू। मतलब जब बोन और मसल के दरमियान ये ग्लू का काम करती हैं और इनको बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ अटैच करती हैं। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दिस मीन्स डैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव। मतलब इनकी मूवमेंट आपके अपने कंट्रोल में है, आपकी जब मर्जी होगी आप इनको मूव कर सकते हैं, हरकत दे सकते हैं। यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये आपके अपने कंट्रोल में है, जिस तरह से आप अपनी मर्जी से अपने हाथ को मूव करते हैं। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप इसको मूव नहीं करेंगे। आप अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। दे हेल्प टू मेक द मूवमेंट पॉसिबल। और इन्हीं मसल्स की वजह से हमारी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। दे वर्क विद योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारा स्केलेटल मसल्स है वो अकेला काम नहीं कर सकता, बल्कि किस तरह काम करेगा, हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज हैं उनके साथ मिलकर ये काम करेगा। और ये दोनों यानी स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, जिनको हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं, ये मिलके हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ यानी मजबूती देते हैं और स्टेबिलिटी देते हैं, ताकि हम एक जगह पे प्रॉपरली खड़े हो सकें, हरकत कर सकें। यहाँ पे देखेंगे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये क्या है, ये स्केलेटल मसल्स हैं। इनकी अटैचमेंट कुछ इस तरह से होती है कि ये बोन्स के साथ मिलते हैं और इनकी शेप इस तरह से होती है। तो आपने तीन टाइप्स पढ़ी, उन टाइप्स में से जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमें मूवमेंट में हेल्प देते हैं।